जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। कल या पिछली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में कुछ देखा था कि किस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनको हमने डिवाइड किया है, जैसे जैसे उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की वजह से, और उसमें ब्रॉडर टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू ब्रॉडर दोनों तरफ जाया जा सकता है। और जो बड़े टैक्सा हैं, टैक्सॉन हैं या बड़े ग्रुप हैं, उनके एनिमल आपस में ज़्यादा मिलते हैं, फिर उनको फर्दर आहिस्ता आहिस्ता हमने डिवाइड कर दिया जैसे जैसे उनमें डिफरेंसेस आते गए या जैसे जैसे उनके अंदर स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होती गई। सो आज हम नॉमनक्लेचर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से फिर एनिमल्स के नाम रखे जाते हैं या ग्रुप्स के नाम रखे जाते हैं। तो बेसिकली नॉमनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और नाम तो ऑलरेडी हर जानदार का है, प्लांट का भी है, एनिमल का है, तो फिर और हर लोकल ज़ुबान के अंदर है, हर मुल्क के अंदर है, हर रीजन के अंदर है। तो यही वजह बनी कि हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए। हर ज़ुबान के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर रीजन के अंदर मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ जानदारों का। तो हमें ये चाहिए है कि हम दुनिया में कहीं भी हों, क्योंकि साइंस जो है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, तो वहाँ जब कोई एक नाम लिया जाए तो हमें ये अंदाज़ा हो कि किस जानदार की बात हो रही है। सो इसको देखते हुए एक सिस्टम जानवरों को और या पौधों को नाम देने का डिवाइस हुआ, जिसको हम बाइनोमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं। सो द असाइनमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशीज इज कॉल्ड नॉमनक्लेचर। कॉमन नेम्स हैव टू प्रॉब्लम, जो वही बात हमने की है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर और मुख्तलिफ रीजन टू रीजन डिफरेंट नेम है एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल हैं या स्पीशीज़ है उसके हंड्रेड्स नेम हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और एक ही लैंग्वेज में या एक ही मुल्क के अंदर उनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे मिसाल दी जाती है प्याज की, हम उर्दू में उसको प्याज कहते हैं, उसको ऑनियन अंग्रेज़ी में कहते हैं, पंजाबी में गंडा भी कह देते हैं, बाज जगह पे इसको बसल कहा जाता है। इसी तरह हर लोकल ज़ुबान के अंदर अलग अलग नेम है। तो हमें हमारी ज़रूरत ये है कि हम इसको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दें। दूसरी वजह ये थी कि बाज़ औक़ात जनरलाइज चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स को एक ही नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये पिल बग्स जो हैं, ये दो क्लासेस हैं हमारे पास क्रस्टेशिया की, या ऑर्डर्स हैं क्लास क्रस्टेशिया का, एक आइसोपोडा है और दूसरा डेकापोडा है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, और इसके लिए फिर हमें उनको बाकायदा स्टडी करके डिफरेंट नेम देना पड़ते हैं, अदरवाइज एक ही नाम से जो है वो लोग उनको पुकारते हैं। एक और वजह यहाँ मैं आपको बता दूं कि मसलन क्लास क्रस्टेशिया के जो बहुत सारे एनिमल हैं, अभी क्रेफिश की बात हुई है, तो क्रेफिश कोई फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है और क्लास क्रस्टेशिया का एक एनिमल है। तो कोई आम आदमी अगर उसको क्रेफिश आम जुबान में बोला जाता है तो वो समझेगा ये शायद फाइलम कॉर्डेटा की क्लास स्पाइसिस में से कोई मेम्बर है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट है। तो ऐसी एम्बिगुटीज एंड कन्फ्यूजन्स को साइंस में दूर करने के लिए एक सिस्टम नाम देने का डेवलप किया गया, और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। इसमें किसी भी एनिमल को या प्लांट को दो नाम दिए जाते हैं, दो हिस्से होते हैं या उसके नाम के, और उसमें एक हिस्सा जो है जीनस और दूसरा हिस्सा जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये सिस्टम जो है ये यूनिवर्सल है, हर एनिमल का सेम बाइनोमियल नेम है, एक ही बाइनोमियल नेम है, एंड एवरी एनिमल हैज ओनली वन करेक्ट नेम यूनिवर्सली। दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो इंसान को होमो सेपियन ही कहा जाएगा, ठीक है,
कहीं भी चले जाएं तो कॉमन फ्लाई जो है उसको मस्का डोमेस्टिका ही कहा जाएगा. सेम इज़ द केस विद मैनी अदर एनिमल्स. सो दिस नेम इज़ गिवन बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमनक्लेचर. ये ख़ास एक कोड है जिसके अंडर ये नाम दिया जाता है और इसको फिर पब्लिश करवाया जाता है और यूनिवर्सली फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है. Therefore, it avoids the confusion caused by the common names of different animals. And there are following rules naming animal. इसके कुछ rules उन्होंने बना दिए किस तरह से आपने देने. The genus of animal begins with a capital letter. जो genus का नाम है एक किसी भी animal के नाम में, हमने कहा दो हिस्से होते हैं, एक genus होता है एक species का नाम होता है, तो फिर दोनों मिल के एक नाम बनता है. तो जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पीशीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा. एंड दीज नेम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड. ये लैटिन से ड्राइव होंगे. आप लैटिन तो बोली नहीं जाती लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज का नाम रखा जाए. ठीक है, लैटिनाइज्ड से मुराद ये है. और जब हम उसको लिखते हैं तो इटैलिसाइज करते हैं, तिरछा लिखते हैं, आपको होता है इटैलिक्स में लिखना, या फिर अलग अलग उसको अंडरलाइन करते हैं. होमो को अलग, सेपियन को अलग, जीनस के नेम को अलग और स्पीशीज के नेम को अलग. समटाइम्स द जीनस इज अंडरस्टूड. नो, आपने एक दफा यूज कर लिया होमो सेपियन किसी पेपर के अंदर, किसी राइटिंग के अंदर. अब आपके पास ये लिबर्टी है कि आप होमो पूरा लिखने की बजाय एच लिख के फुल स्टॉप और सेपियंस लिख दें. सो एच सेपियन. इस तरह आमतौर पे जो पेपर्स, जब आप साइंटिफिक पेपर देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है. तो ये स्टूडेंट, ये बुनियादी तौर पे ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अब यूनिवर्सली हर प्लांट का, हर एनिमल का एक ही नाम है और ये साइंस की सक्सेस की भी यही वजह है. इसके ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की उसका पता चल जाएगा और उसमें किस तरह से नाम दिए जाते हैं और किस तरह से एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है वो भी पता चल जाएगा. सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एंड डॉग. दो एनिमल हमने लिए, एक सोशल एनिमल है ह्यूमन और दूसरा जो है वो डॉग है. ठीक है, इसका हर किसी का टैक्सा जो है या किस ग्रुप में रखा गया है और दोनों एनिमल्स क्या उस ग्रुप में फॉल करते हैं या अलग अलग हैं ये हम देखेंगे. तो पहला जो टैक्सॉन है या बड़ी डिवीजन है वो डोमेन है. ठीक है, ये ह्यूमन और डॉग में एक है, इसको यूकेरिया कहते हैं. ह्यूमन भी यूकेरिया में है और डॉग भी यूकेरिया में. दूसरी डिवीजन जो है वो किंगडम है. किंगडम जो है वो एनिमेलिया दोनों की है, दोनों एनिमल्स हैं, डॉग भी एनिमेलिया में है और ह्यूमन भी. तीसरी डिवीजन जो है वो फाइलम है और फाइलम कॉर्डेटा दोनों का है. तीसरी डिवीजन जो है वो क्लास है और क्लास दोनों की ममेलिया है. अब यहाँ से आके जो डिफरेंस है वो आया है, यहां तक तो सेम है. ठीक है जी, अब फर्क है ऑर्डर दोनों का जो है वो आप देखिए कि प्राइमेट ये ह्यूमन का है और कार्निवोरा ये डॉग का है. फैमिली, अब फैमिली भी डिफरेंट है और ये फैमिली जो है ये भी डिफरेंट है. होमिनाइडी ये इंसान की है, केनाइडी ये डॉग की है. अब जीनस है, जीनस भी डिफरेंट है. जीनस आप देखें कि ह्यूमन का होमो है और डॉग का केनस है. स्पीशीज तो डेफिनेटली डिफरेंट है ही है और ये इसमें आप देखें कि स्पीशीज़ जो है वो ह्यूमन की सेपियन और डॉग की फेमेलियर है. सो पूरा नाम क्या होगा, होमो सेपियन, होमो सेपियन. ठीक है, और होमो सेपियन इसको हम कहें. और पूरा नाम डॉग का क्या होगा, इसका हम कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं, चलें ज़रा डिस्टिंक्शन हो जाएगी और इसको चलें ये दे देते हैं. तो ये कैनस फेमिलियरस, इसका क्या नाम होगा, कैनस फेमिलियरस. ये कॉमन डॉग है जो हमारे स्ट्रीट डॉग जो हमारे आम पाया जाता है और इसमें
फिर जो वैरायटीज आपको नज़र आती हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक डॉग्स के अंदर, वो बेसिकली तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के साथ आई हुई हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन नाम स्ट्रीट डॉग्स होते हैं मोस्टली, ये कैनिस फैमिलियारिस इसको कहते हैं। और जो बहुत सारे डॉग्स की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो वाइल्ड डॉग हैं, तो उनमें उनके नाम फिर डिफरेंट हैं। वुल्फ इटसेल्फ जो है वो एक वहीं से एक ही ग्रुप से जो डॉग्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये जब आगे आप इसकी डिटेल्स के अंदर एवोल्यूशन में या टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ए ह्यूमन एंड डॉग, अब चार तक तो डोमेन भी सेम है, किंगडम भी, फाइलम भी और क्लास भी। ऑर्डर से फ़र्क आना शुरू होता है और आप देखिए कि दोनों की स्पीशीज़ भी डिफरेंट है और जीनस भी और फैमिली भी और ऑर्डर भी, उससे पहले सब है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी इसको कह सकते हैं कि जो डोमेन है इसमें ये ब्रॉडर एक बेस है, उसका एक किंगडम है, यहाँ के दो डिविजन्स हो गई, फाइलम है तो फाइलम तो बहुत सारे हैं, क्लास हैं तो क्लास हर फाइलम के अंदर बहुत सारी हैं, ऑर्डर हैं तो हर क्लास के अंदर बेशुमार ऑर्डर हैं, और ऑर्डर के अंदर बेशुमार फैमिलीज हैं, और फैमिलीज के अंदर बेशुमार जीनस, और जीनस के अंदर बेशुमार स्पीशीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर क्यों इसको कहते हैं, इसलिए कि हम दो वर्ड स्पेस का या दो हिस्सों पे नाम मुश्तमिल होता है, एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीशीज, फिर पूरा कंप्लीट नेम साइंटिफिक नेम बनता है। जो एनिमल है उसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं, और जो प्लांट है उनको हम बोटेनिकल नेम कहते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे और आप जो आने वाली वीडियो हैं उसको तरतीब के साथ देख सकें।